स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले एमएमटीसी लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 5 रुपए 15 पैसे की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 8.5% के करीबन का पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में 7.5% की तेजी देखने को मिली है, तो वहीं 1 महीने में 25%, 3 महीने में 8.5%, 6 महीने में 104% और 1 साल के अंदर 68% से भी ऊपर के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में लगातार ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में टॉप लगा 87 रुपीज के इस पॉइंट पर स्टॉक में एक टॉप लगा ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक देखें तो नीचे का एक सपोर्ट लेवल है 48 रुपीज के इस पॉइंट पर स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल है और यहीं से स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 68 रुपीज इस स्टॉक में एक रुकावट रेंज है। जैसे स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देता है स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट वो 87 रुपीज का आएगा। एक बार स्टॉक 68 रुपीज से ऊपर बंद होता है तो स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 60 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 87 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।